नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत के अपराध लाइव न्यूज चैनल। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोटा से पत्रकार सुबोध जैन के घर देर रात घुसकर अभद्रता करने वालों पर होगी कार्रवाई। आईजी रवि दत्त ने पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा से असलम रोमी की खास रिपोर्ट। अब खबर विस्तार से। कोटा वरिष्ठ पत्रकार सुबोध जैन के स्टेशन स्थित आवास पर 21 मार्च की रात्रि जबरन घुसने, वहां मौजूद महिलाओं से अभद्रता करने, उनके पुत्र को गिरफ्तार करने के मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से आईजी रविदत्त गौड ने कही। हालांकि पत्रकार दोषियों को तुरंत निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। पत्रकारों पर हमले पर एकजुट हुए पत्रकार। पिछले कुछ दिनों से पुलिस द्वारा पत्रकारों को प्रताड़ित करने व जबरन मुकदमा लादने के मामले को लेकर पत्रकार एकजुट हो गए। इसी क्रम में शुक्रवार को शॉपिंग सेंटर स्थित रोटरी बिनानी सभागार में वरिष्ठ पत्रकार प्रघुमन शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस अवसर पर प्रघुमन शर्मा, धीरज गुप्ता, तेज वृद्धि प्रसाद गौतम, गजेंद्र व्यास, अनिल भारद्वाज, रजत खन्ना, कयूम अली, अख्तर खान अकेला, केएल जैन, सुनील माथुर, बीएस झाला सहित अन्य पत्रकारों ने अपने विचार रखे। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर पीड़ित वरिष्ठ पत्रकार सुबोध जैन ने पुलिस द्वारा 21 मार्च की रात को की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी दिया है। उन्होंने बताया कि जिस समय वह घर पर नहीं थे और एक बच्ची भी जान बचाने के लिए ब्लड देने के लिए सुधा हॉस्पिटल गए हुए थे। पीछे से पुलिस के इन अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ उनके घर पहुंचकर घर वालों से अभद्रता की। कोई मुकदमा दर्ज नहीं, फिर भी अपराधियों जैसा सुलूक। वरिष्ठ पत्रकार सुबोध जैन ने बताया कि 40 साल के पत्रकार जीवन में उनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज नहीं है और आईजी ने करवाया पत्रकारों को इंतजार। बैठक के बाद सभी पत्रकारों ने एक निर्णय लिया कि इस संबंध में आईजी रविदत्त गौड़ को एक ज्ञापन दिया जाए, जिसमें दोषियों को तुरंत निलंबित करने की मांग की गई। हैं और एक सिर्फ हमारा बच्चा है, उसके अलावा कोई नहीं है। आप कोई लेडी कांस्टेबल साथ लेकर के आए हो तो समझ में आता है, आपके पास कोई वारंट हो तो समझ में आता है। वो नहीं माने, वो पड़ोस के मकान में चढ़े, पड़ोस के मकान से चढ़ के इनके मकान में कूदे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपसे बात हो रही है, संक्षिप्त में घटनाक्रम बता दूं जो हुआ। हमारे कोटा के वरिष्ठ पत्रकार साथी सुबोध जैन है। 21 तारीख की रात को पुलिस एक झूठी एक अपुष्ट शिकायत के आधार पर उनके घर रात को पहुंचती है 1:30-2 बजे के बीच में। वो घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो पुलिसकर्मी बगल के मकान से कूद करके उनके घर में घुसे। इस बीच में एक पुलिसकर्मी बीच में गिर भी गया और उसके पांव भी टूटे। इन्होंने उसके पांव टूटने की खींच इनके बेटे भी निकाली जो गुड़गांव रहता है और इन दोनों में यहाँ आया हुआ है। घर के अंदर सो रहे बच्चे को 107-151 में उठाया गया, जिसका किसी भी तरह के किसी आपराधिक घटना से कुछ लेना देना नहीं था। अब इस चीज़ को लेकर के जब हमारी जानकारी में आई, हमने इसकी विरोध व्यक्त किया। आज हम लोग इकट्ठा हुए, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो शहर के करीब 40-50 प्रमुख और वरिष्ठ पत्रकार एकत्रित हुए और हमने निर्णय लिया कि हम आईजी साहब से इस मामले को लेकर के मिलें। अभी आईजी साहब से भेंट हुई है, उनको एक ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच कराएंगे। हमारी मांग ये है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया जाए।